हाय दोस्तों, आज की ये न्यूज़ बताने का मेरा इरादा आपको इसलिए है कि आपको जागरूक किया जाए, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर पता नहीं ऐसी क्या वजह है कि मासूम लोगों को भी छोड़ा नहीं जाता है। आज की ये खबर है टिंकल के बारे में। मासूम टिंकल की हत्या 30 तारीख को कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, 30 मई को एक लड़की टिंकल गायब होती है। 2 दिन बाद उसका जो शव है वो कूड़े के ढेर में मिलता है, बहुत ही गलत तरीके की हालत के अंदर। वो आपको बताया नहीं जा सकता है। हत्या के बारे में पुलिस का इसमें मामला बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आता है। पुलिस की लापरवाही इसमें साफ नजर आती है, क्योंकि 3 दिन तक उस लड़की का पोस्टमार्टम ही नहीं कराया गया। हालांकि बाद में जब दबाव बढ़ा, सोशल मीडिया पर ये मुद्दा उछलने लगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद पुलिस जागी और 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाकामी सबके सामने आ चुकी थी। अब बात करते हैं टिंकल के बारे में। टिंकल के पिता कोई कारीगर का या मेसन का काम करते हैं, उन्हीं के साथ 2 और भी लोग काम करते थे, उसमें से एक जाहिद था और एक दूसरा एक और शख्स था। तो उन टिंकल के पिता ने 40,000 रुपए दिए थे जाहिद को उधार के, उसमें से उसने 35,000 रुपए उन्हें वापस दे दिए थे और 5,000 रुपए के ऊपर उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ दिन पहले, और उसने उन्हें धमकी दी थी देखने के लिए कि मैं तुझे बाद में देख लूंगा। इसी आधार पर पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि लड़की की हो सकता है हत्या उन्हीं लोगों ने की है। अभी खैर पूरी बात बताई नहीं जा सकती कि वाकई में हत्या किसने की, लेकिन पुलिस को पुख्ता सबूत मिले हैं कि उन्हीं लोगों ने हत्या की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को फांसी होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा इनको अच्छे से मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समाज में हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाई जा सके, मासूमों की इज्जत बचाई जा सके। आपको याद होगा कुछ साल पहले आसिफा के साथ रेप हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, उसके आरोपी आज तक बरी हैं, अभी तक उन्हें फांसी नहीं हुई है, उन्हें सजा नहीं हुई है। आपने दामिनी का भी सुना होगा, जिनके आरोपियों को फांसी की सजा भी होती लेकिन उन्हें लटकाया नहीं गया, अभी तक वो जिंदा जेल में बैठे हुए हैं। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे देश का सिस्टम कितना ढीला और कितना सुस्त प्रकार से काम करता है। अगर किसी एक के ऊपर भी एक्शन ले लिया जाए तो हो सकता है आने वाले जमाने में लोग ऐसा गुनाह करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो इसलिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सख्ती के साथ ऐसे अपराधों से निपटा जाए, और अदालतों को भी चाहिए कि ऐसे केसों की सुनवाई जल्द से जल्द कर अपराधी को फांसी पर चढ़ाया जाए। दोस्तों, ऐसी न्यूज हम उम्मीद करते हैं आपको अगली बार न देनी पड़े, देश में माहौल अच्छा बने। तो आप IIM शाहरुख न्यूज देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।